हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अ लेक्चर 23 ऑफ अ हाईवे इंजीनियरिंग एंड वी आर कवरिंग द मॉड्यूल 3 दैट इज़ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। आर टुडेज टॉपिक इज़ द रिलेशन बिटवीन द ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड द ट्रैफिक वेलोसिटी। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परस्पेक्टिव, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा गेट में, SSC में और भी सारी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस टॉपिक को पूरा इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ताकि आप इस टॉपिक के फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करना आ जाए। ठीक है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मॉडल्स ऑफ दिस, वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन दिस फॉर्मूलाज। ओके, सो इसमें क्या क्या टर्म्स है पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स बहुत बेसिक हैं और हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टर्म क्या था। ठीक है, तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, पहले हम अपने टर्म्स देख लेते हैं। तो ट्रैफिक डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ओके, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ट्रैफिक वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। एंड ट्रैफिक स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। ओके, और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है आप बताइए, डेंसिटी की यूनिट होती है व्हीकल पर किलोमीटर। ओके, ट्रैफिक डेंसिटी की यूनिट है आपकी व्हीकल पर किलोमीटर। अब ट्रैफिक वॉल्यूम की आपकी यूनिट क्या है, आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम की यूनिट है व्हीकल पर आर। ओके, और स्पीड की तो आपको पता है किलोमीटर पर आर। ओके, नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो क्या था हमारा, इन तीनों के बीच का इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था ना हमने, दैट इज़ द ट्रैफिक वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू द ट्रैफिक डेंसिटी इन टू द स्पीड। ओके, सो क्यू विल बी इक्वल्स टू के इन टू वी, ये हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिलेशन दोनों मॉडल में काम आएगा, तो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखना। ठीक है, हमारे पास कितने मॉडल्स होते हैं, हमारे पास दो मॉडल होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, ग्रीन शील्ड मॉडल। सेकंड क्या है हमारा, ग्रीनबर्ग मॉडल। अब इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है और ये दोनों मॉडल कैसे यूज़ होते हैं, ये दोनों हम देखते हैं वन बाई वन। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा ग्रीन शील्ड मॉडल। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रीन शील्ड मॉडल। ग्रीन शील्ड मॉडल में आपको क्या बताता है, ग्रीन शील्ड मॉडल आपको बताता है कि जो वेलोसिटी और डेंसिटी है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, सो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दी डेंसिटी एंड दी वेलोसिटी, ये किसके द्वारा कहा गया है, ग्रीन शील्ड मॉडल में कहा गया है। ठीक है, अब हम इसे एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये एक ग्राफ है आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने डेंसिटी ले ली है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली है। ठीक है, तो इस ग्राफ का रिलेशनशिप कैसा होगा, ऐसा, मतलब कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो ये क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन की जो वेलोसिटी है और डेंसिटी है, इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है, अब हम देखते हैं हमारा जो शील्ड, ग्रीन शील्ड मॉडल की जो वेलोसिटी है वो कैसे लिखी जाती है। ठीक है, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी एफ बाई के जे इंटू के। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अ वेलोसिटी इन केस ऑफ अ ग्रीन शील्ड मॉडल। ओके, सो इफ़ यू फाइंड द ट्रैफिक वॉल्यूम, सो ट्रैफिक वॉल्यूम क्यू विल बी इक्वल्स टू दी वी, वी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, वी एफ माइनस वी एफ बाई के जे इंटू के, और बाहर में आप क्या कर दीजिए, फिर के को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे आप क्या कर पाओगे, ट्रैफिक वॉल्यूम फाइंड कर पाओगे। ठीक है, ये किसने दिया, ग्रीन शील्ड मॉडल में दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, आप ये जानते हो कि स्मॉल क्यू क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम है, और कैपिटल के क्या है, ट्रैफिक डेंसिटी है, और कैपिटल वी क्या है, ट्रैफिक वेलोसिटी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वी एफ और के जे क्या है। ओके, तो वी एफ क्या है आपका, वी एफ इज़ दी फ्री मीन वेलोसिटी, एंड व्हाट इज़ के जे, के जे इज़ दी जैम डेंसिटी। ओके, सो नेक्स्ट आपसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए आप मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर फ्री मीन वेलोसिटी हाफ होती है। इस कर्व में देखिए आप, अगर ये क्या है आपका, फ्री मीन वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, फ्री मीन वेलोसिटी के हाफ पर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे मैक्सिमम डेंसिटी पूछा जाता है, तो अगर आपकी के जे इज़ दी मैक्सिमम डेंसिटी है, तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम जैम डेंसिटी है, तो आपका जो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जैम डेंसिटी के हाफ में। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू के जे बाई टू। ठीक है, और अगर सिमिलरली अगर आपसे क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम वॉल्यूम बताइए। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम बताइए, तो आप कैसे निकाल पाओगे, क्यू मैक्स विल बी इक्वल्स टू वी एफ बाई टू
into kj by 2. Okay, so q max will be equals to the vf into kj by 4. This formula is very very important, बिकॉज इससे आपको हर बार कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है या कैपेसिटी पूछा गया है तो आप इसे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे. ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, वी एफ इंटू के जे बाई 4. ओके, आप इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखो. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड मॉडल, दैट इज़ दी ग्रीनबर्ग मॉडल. सेकेंड मॉडल क्या है हमारा, ग्रीनबर्ग मॉडल. ओके, ग्रीनबर्ग मॉडल क्या है, लॉगरिथमिक मेथड है. ओके, इसमें लॉगरिथमिक वैल्यू को कंसिडर किया गया है. अब यहाँ पर अगर आप स्पीड की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू वी एफ इंटू एल एन ऑफ के जे बाई के. ओके, रिमेंबर दिस दैट हियर एल एन प्लेज अ रोल. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ अ लॉगरिथमिक मैथड. तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट अगर आपको क्या पूछा जाए, ट्रैफिक वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि जो वेलोसिटी है उसमें के का मल्टीप्लाई कर दो, वी एफ इंटू एल एन ऑफ के जे बाई के इंटू के. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा. नेक्स्ट अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर आप मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम बताओ, तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो, तो आपका जो वी मैक्स होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, फ्री मीन स्पीड के बराबर लिया जाता है. ठीक है, वहाँ पर क्या था, फ्री मीन स्पीड का हाफ लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ डिफरेंस है कि यहाँ पर फ्री मीन स्पीड के बराबर लिया जाता है. और यहाँ पर जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी ली जाती है, बताइए, के जे बाई ई. ओके, व्हाट इज ई हियर, ई विल बी इक्वल्स टू दी के जे बाई के. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें आप याद कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आपको क्यू मैक्स पूछा जाता है तो आप उसे कैसे निकालोगे, देखो, वी एफ इंटू के जे बाई ई. ओके, सो मार्क दिस एज ए इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वी एफ इंटू के जे बाई ई. ओके, और आप क्या कर सकते हो, ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्यू मैक्स विल बी इक्वल्स टू वी एफ इंटू के जे अपॉन के जे बाई के. तो अगर आप इसे के जे को कट कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, विल बी इक्वल्स टू वी एफ इंटू के. ओके, तो क्यू मैक्स को आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये क्या था आपका, ग्रीनबर्ग मॉडल था. ठीक है, बट जनरली जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं, हमारे ग्रीन शील्ड मॉडल से. तो आपको ये मॉडल ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको कभी भी ग्रीनबर्ग मॉडल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको ग्रीन शील्ड मॉडल पर ही ध्यान देना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिससे आपको ये फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट करना है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.